हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रो साउंड एंड टेक्नोलॉजी। तो आज का वीडियो का टॉपिक है जो आप लोगों का बहुत सारा रिक्वायरमेंट था कि GV4 एंड GV8 का बेसिक डिफरेंस क्या है और इसका प्राइस का अंतर क्या है, उसके बारे में आज वीडियो होगा। तो वीडियो का करते हैं शुरू। और अगर आप से मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता जाए सबसे पहले। वीडियो रिगार्डिंग कोई भी क्वेरीज हो या कुछ जानकारी चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, नहीं तो वीडियो का लिंक जो कि GV8, GV4 इन सारे वीडियो का और आउटपुट रिलेटेड कोई भी इशू हो उसका रिलेटेड वीडियो मैंने पहले भी बना चुका हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन एंड आई बटन में मिल जाएगा आपको। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। आज का जो वीडियो है मैंने पहले ही बता चुका हूँ GV8 एंड GV4 का बेसिक डिफरेंस क्या है उसके बारे में वीडियो है। तो जैसे आप देख पा रहे हैं कैमरा का लेफ्ट साइड में है GV8 जिसका एक व्यूमीटर एक्स्ट्रा है और राइट साइड में है GV4। तो दोनों का अभी डिफरेंस शुरू करेंगे। तो अभी दोनों का साइज बड़ा है, ये भी 32 चैनल है, ये भी 32 चैनल है, दोनों का लुक देख लीजिए। तो GV8 का साइज थोड़ा बड़ा और GV4 का, एक ही टेबल में दोनों को लाना बहुत मुश्किल काम था इसीलिए ऐसे करके रखा हूँ। और इसमें थोड़ा वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन करने में भी दिक्कत आएगा, लेकिन आप लोग जो है इसको देखिए और आप लोग जैसे सपोर्ट कर रहे हैं चैनल को वैसे ही करते जाइए। तो GV4 और GV8 का जो प्री एम टेक्नोलॉजी है, मतलब कि जो चैनल का सारे जो मतलब ऐसे जैसे इनपुट चैनल का जो भी टेक्नोलॉजी है वो सारे है GV4 और GV8 में सेम है। जैसे कि ये EQ सेक्शन, गेन सेक्शन, प्री एम सेक्शन या गेन सेक्शन, EQ सेक्शन और ऑक्सिलरी सेक्शन, इसमें भी 8 ऑक्सिलरी, GV4 में भी 8 ऑक्सिलरी और पैन सेक्शन, ये चैनल जो सारे हैं ये सारे GV4 और GV8 में सेम है। डिफरेंस कहाँ पर है ये बताता हूँ। डिफरेंस जो है इसमें GV4 में आपको पहले GV8 के बाद बात कर लेते हैं, उसके बाद GV4 में जाएंगे। GV8 में आपको 4 स्टीरियो इनपुट देखने को मिलता है, जो कि GV4 में आपको 2 स्टीरियो इनपुट देखने को मिलता है, जैसे कि 1 2 3 4 लेफ्ट राइट करके 4 1 2 3 4 ऐसे करके 4 स्टीरियो इनपुट, और GV4 में आपको 2 स्टीरियो इनपुट देखने को मिलता है। और GV8 में एक व्यू मीटर दे दिया गया है जो कि लेफ्ट राइट एंड सेंटर तीनों आउटपुट, मेन आउटपुट के लिए व्यू मीटर, जैसे भी आप इनपुट करेंगे इस तरह से अगर आप फेडर इंक्रीज करेंगे तो उधर भी आपको आउटपुट लेवल देखने को मिलता है, जो कि GV4 में सिर्फ व्यू मीटर जो है ये सारे DB मीटर की तरह दिखता है, ये इधर ही है GV4 के, वो आपको बाद में दिखाते हैं। तो ये था इसका बेसिक मतलब चैनल की तरफ से डिफरेंस, और जो सारे टेक्नोलॉजी यूज़ किया गया GV4 और GV8 में सेम है। तो अभी चलते हैं GV4 को दिखाने के लिए। देखिए GV4 में 2 स्टीरियो इनपुट, स्टीरियो 1 एंड स्टीरियो 2, और GV8 में 4 स्टीरियो इनपुट, जैसे कि ये चारों कलर का 1 2 3 4, ये 4 स्टीरियो और इधर 2 स्टीरियो और सारे सेम है। अभी चलते हैं आउटपुट के बारे में बात करने के लिए। GV8 का ज़्यादा डिफरेंस देखा जाता है GV8 का आउटपुट सेक्शन में, GV8 का आउटपुट और GV4 का आउटपुट में ज़्यादा अंतर है। और GV8 का प्राइस देखा जाए तो GV8 32 चैनल का प्राइस है अप्रॉक्स 2,10,000 के करीब, और GV4 32 चैनल का प्राइस है अप्रॉक्स 1,55,000 इंडियन करेंसी में। तो ये था इनका प्राइस सेगमेंट का डिफरेंस। और ऐसे तो दोनों में ही आपको 3 साल का वारंटी मिलता है जो कि हार्मन की तरफ से दिया जाता है, दोनों ही साउंड क्राफ्ट का ब्रांड है GV8 एंड GV4, दोनों मॉडल के डिज़ाइन किया है सर ग्रामबत ने, जिसका साइन आपको देखने को मिलेगा इस तरफ, ये है GV4 का साइन, डिज़ाइनर ग्रामबत, जिसका नाम से GNB आया है GV सीरीज, और GV8 में भी सेम, दोनों का ऐसे सेम आया। तो कैमरा थोड़ा हिल रहा है तो ये दिक्कत है, लेकिन ये बहुत प्रॉब्लम, ये जो प्रॉब्लम है बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। और अभी चलते हैं इसका आउटपुट सेक्शन में। जैसे कि आपको पता ही है इसमें मैट्रिक्स दिया गया है, 4 मैट्रिक्स, उसमें भी 4 मैट्रिक्स, GV4 में भी 4 मैट्रिक्स है और GV8 में भी 4 मैट्रिक्स है, लेकिन इसका जो मैट्रिक्स कंट्रोल है 44x4 मैट्रिक्स है, और उसमें है 28x4 मैट्रिक्स, जो कि मैट्रिक्स आउटपुट अगर किसी को जानना है तो उसके रिगार्डिंग मैंने पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, जो कि GV4 में है और GV8 में, दोनों में है मैट्रिक्स आउटपुट कैसे लिया जाता है उसके बारे में वीडियो है। आप चाहे तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड आई बटन में GV सीरीज का जितना भी वीडियो मैंने अपलोड किया था उसका लिंक मैं दे दूंगा, आप आई बटन से चेक कर सकते हैं, जो कि GV सीरीज का वीडियो है, जैसे कि वो वीडियो बहुत ही पॉपुलर हुआ, तकरीबन 3 महीने में उसका 10K व्यू आ चुका है,
तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए आप लोग। तो अभी चलते हैं इसका जो बेसिक आउटपुट सेक्शन के बारे में। तो आउटपुट इसमें आपको GB4 में आपको 4 ग्रुप आउटपुट देखने को मिलते हैं और GB8 में आपको 8 ग्रुप आउटपुट देखने को मिलते हैं। मतलब आउटपुट में आपको डबल एडवांटेज मिल रहा है इधर, जो कि GB4 में 4 ग्रुप है और इसमें 8 ग्रुप है। उसके बाद जैसे लेफ्ट राइट और सेंटर दोनों में सेम है और ये है। और इसके बाद ये जो पैन सेक्शन है ये भी सेम है। पैन सेक्शन का काम है मतलब अगर किसी ग्रुप वन का इनपुट आप लेफ्ट राइट में भी सेम इनपुट को बूस्ट करना चाहते हैं तो इसको ऊपर जो है लेफ्ट राइट है और सेंटर, अगर सेंटर कर देंगे तो उसका पैन करने का कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप लेफ्ट राइट में लेना चाहते हैं ग्रुप वन का आउटपुट तो आपको पैन करने का अगर ज़रूरत हो तब कर सकते हैं। इसीलिए देखिए ग्रुप पैन लिख दिया है। अगर ग्रुप मतलब आप ग्रुप वन का आउटपुट आप मिक्स लेफ्ट राइट में लेना चाहते हैं तो लेफ्ट राइट का स्विच प्रेस कर दीजिए, और अगर मान लीजिए सिर्फ राइट में ही लेना तो राइट के तरफ कर दीजिए कंट्रोल, तो क्या है ग्रुप वन का आउटपुट जो है मिक्स राइट में चला जाएगा। तो ये था, ऐसे ही सारे स्विच जो है सारे सेम है ग्रुप ऑटो ग्रुप के लिए, और इसके नीचे AFL दोनों में ही सेम है और ये जो सेक्शन है ये भी सेम है। उसके बाद स्वाइप अप, मतलब आपका जो अगर मान लीजिए ये तो सिर्फ जो ग्रुप वन का DB दिखाता है इधर, अगर मान लीजिए आप सिर्फ ऑक्स वन का DB देखना चाहते हैं तो इस स्विच को आपको प्रेस करना है, प्रेस करके होल्ड ऐसे रखना है, नीचे स्विच को ऑन करके रखना है, तभी जो है ग्रुप वन का सॉरी ऑक्स वन का आउटपुट आपको इस DB मीटर में शो करेगा। उसके बाद ये सारे 8 ऑक्सिलरी 1, 2, 3, 4 सारे को आप प्री पोस्ट कर सकते हैं। ऐसे तो GB में आपको 4 आपको पहले से प्री मिलेगा और 4 को आप ऑप्शनल मिलेगा पोस्ट या प्री करने के लिए। और इसमें आपको स्टीरियो इनपुट जो है स्टीरियो रिटर्न इनपुट जो कि इस साइड में है स्टीरियो रिटर्न के लिए आपको 4 स्टीरियो रिटर्न देखने को मिलता है और GB2 में 2 स्टीरियो रिटर्न देखने को मिलता है। और ये सारे हैं 1, 2, 3, 4 मैट्रिक्स मास्टर, जैसे कि आपको GB4 में भी 4 मैट्रिक्स मास्टर देखने को मिलता है। 44x4 है इसमें और उसमें 28x4 है, जितना आउटपुट इंटू 4। ठीक है, ये था मैट्रिक्स का काम। अभी और इसमें एडवांटेज जो है आपको GB4 में देखने को मिलता है सिर्फ रिकॉर्ड आउटपुट के लिए एक रिकॉर्ड आउटपुट देखने को मिलता है जो कि लिमिटर के साथ आता है, और इसमें 2 रिकॉर्ड आउटपुट देखने को मिलता है जो कि दोनों ही लिमिटर के साथ आता है। इसमें और एक एडवांटेज है, इसमें आप चाहे तो 1 kHz ऑसिलेटर को भी ऑन कर सकते हैं, लेकिन GB4 में 1 kHz का ऑसिलेटर कोई है नहीं। ये टेस्ट टोन की तरह काम करता है, क्योंकि आपको आउटपुट चेक करना हो या कुछ भी चेक करना हो तो आप इसमें कर सकते हैं। तो ये था इसका GB8 का बेसिक डिफरेंस। और एक बात बता दूँ, दोनों का पावर सप्लाई जो पावर कंजम्पशन है GB8 का पावर कंजम्पशन बेस ज़्यादा है, दोनों में इनबिल्ट SMPS देखने को मिलता है। और GB8 और GB4 का डिफरेंस यही है। और आपको अभी चलते हैं GB4 में, GB4 में दिखाएंगे उसका जो मैंने बताया उसको ही रिकैप करेंगे GB4 में मिक्सर के साथ। तो ये था इसका बेसिक डिफरेंस और चलते हैं GB8 में। और एक बात, हाँ, इसमें भी जो मास्टर ग्रुप मास्टर म्यूट देखने को मिलता है GB4 में भी ग्रुप म्यूट सेम है, सिर्फ इसका प्राइस का डिफरेंस यही है और प्राइस का डिफरेंस ज़्यादा है। और इसका जो स्टीरियो इनपुट आपको 2 ज़्यादा मिल रहा है, ग्रुप 4 ग्रुप ज़्यादा मिल रहा है आपको, 2 मोनिटर आउटपुट सॉरी रिकॉर्ड आउटपुट 2 ज़्यादा मिल रहा है आपको, और ज़्यादा डिफरेंस है नहीं उतना। और दोनों का जो चैनल है मोनो चैनल जो सारे हैं स्टीरियो चैनल भी हैं सारे सेम है, लेकिन ज़्यादा मतलब चैनल काउंटिंग ज़्यादा है और चैनल काउंटिंग कम है, आउटपुट काउंटिंग ज़्यादा है आउटपुट काउंटिंग कम है। और इसमें जो एक्स्ट्रा एडवांटेज मुझे लगा, इसे 1 से 4 तक प्री है सॉरी 1 से 4 तक ऑक्सिलरी जो है प्री पोस्ट कर सकते हैं, उसमें वो ऑप्शन नहीं दिया गया। अभी चलते हैं GB4 की तरफ। ये GB4 है, GB4 में आपको जैसे बताया था GB8 में 8 है, इसमें 4 ग्रुप 2 मिक्स लेफ्ट राइट और 1 स्टीरियो। जैसे ही सेम ऑप्शन इधर भी दिया गया, आप इस चाहे तो लेफ्ट राइट को ले सकते हैं, और ये स्वाइप अप स्विच है और चाहे तो ऑक्सिलरी 1 को। और अभी देखिए इसमें 1, 2, 3, 4 ऑक्सिलरी में आपको कोई कहीं भी प्री पोस्ट का स्विच नहीं देखने को, सारे AFL। और 5, 6, 7, 8 में देखिए प्री पोस्ट स्विच है। तो ये था ऑप्शनल कि इसमें वो चारों में आप प्री पोस्ट कर सकते, 8ों में प्री पोस्ट कर सकते, इसमें से 4ों को ही आप प्री पोस्ट कर सकते, नहीं तो पहले से प्री है। और इसमें 4 मैट्रिक्स बॉक्स 28x4, तो ठीक है ऐसे मैट्रिक्स, और उसमें भी 44x4 मैट्रिक्स आउटपुट देखने को मिलता है। और इसमें रिकॉर्ड आउटपुट 1 देखने को मिलता है, उसमें 2 है, और इधर इसमें भी लिमिटर ऐड किया गया, लेकिन इसमें कुछ ऑसिलेटर का कुछ फ्रीक्वेंसी नहीं दिया गया। और इसका स्टीरियो रिटर्न जो है 1 स्टीरियो रिटर्न और ये 2 स्टीरियो रिटर्न, उसमें आपको 4 स्टीरियो रिटर्न देखने को मिलता है। ये तो था इसका बेसिक डिफरेंस। और जो सारे फीचर्स है सारे सेम है, जैसे फैंटम पावर, 48 वोल्ट फेज रिवर्स स्विच,
ये मोनो के लिए, मतलब आप स्टूडियो चैनल को मोनो करना चाहते हैं तो ये मोनो चैनल में भी दिखा दे दो। फैंटम पावर, फेज रिवर्स, 100 हर्ट्ज कटर, मतलब लो फ्रीक्वेंसी कटर स्विच, और सारे जो ईक्यू बाईपास, फोर बैंड पैरामीटर ईक्यू, 8 ऑक्सिलरी वर्सेस, पैन कंट्रोल, म्यूट स्विच, आउटपुट सिलेक्टर स्विच, ग्रुप म्यूट स्विच, PFL और 100 mm कवर फेड। ये तो जैसे था एक मोनो चैनल के लिए GB4 का, देखिए GB4 का मोनो चैनल, ऐसे आते हैं GB8 का मोनो चैनल में। देखिए फैंटम पावर, फेज रिवर्स, गेन कंट्रोल, लो कटर स्विच, मतलब 100 हर्ट्ज बाईपास स्विच, फोर बैंड पैरामीट्रिक EQ विथ 6 कंट्रोल से फोर बैंड पैरामीट्रिक EQ को कंट्रोल किया जाता है। इसके बारे में वीडियो मैंने पहले ही बना चुका हूँ, दोनों सीरीज़ का GB4 और GB8, जो कि डिमांड था कि GB4 और GB8 का अंतर क्या है, बहुत सारे क्वेश्चन आता है, तो इसलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। और ये है EQ बाईपास स्विच, 8 ऑक्सिलरी बसेस जिसमें कि चार्टों को आप प्री पोस्ट कर सकते हैं, एक पैन कंट्रोल, म्यूट स्विच, आउटपुट सिलेक्टर स्विच, इसमें आउटपुट ज़्यादा है क्योंकि ग्रुप चार्ज बढ़ गया है तो इसमें आउटपुट सिलेक्टर स्विच ज़्यादा है। इनपुट डीबी मीटर, मतलब इनपुट का ऑडियो फ्रिक्वेंसी कितना है उसके हिसाब से डीबी मीटर, जो कि 4 LED से कंट्रोल है, उसमें भी सेम, GB4 में भी सेम। और ये ग्रुप म्यूट स्विच, 1, 2, 3, 4 म्यूट स्विच है, और ये PFL स्विच, और ये 100 mm कवर फिट है। जैसे मोनो चैनल में, स्टीरियो चैनल में भी सेम है, दोनों का ही स्टीरियो चैनल सेम है, लेकिन ये मिक्सर आपको थोड़ा 32 चैनल मिक्सर देखिए कितना बड़ा है, और 32 दोनों ही 32 चैनल है, लेकिन GV8 जो बहुत बड़ा मिक्सर है, देखने में बड़ा लगता है क्योंकि इसका आउटपुट सेक्शन ज़्यादा हो रहा है और इनपुट भी ज़्यादा है, मतलब दो इनपुट बढ़ गया और उधर 4 आउटपुट बढ़ गया, तो इसलिए इसका साइज जो है थोड़ा बड़ा लगता है। और एक चीज़ ये जो है एक कंसोल लाइट के लिए दिया गया है, अगर ये कंपनी इनबिल्ट नहीं देता है, अगर आप चाहते हैं तो ऑनलाइन से भी मंगा सकते हैं, जो amazon.com में आपको मिल जाएगा, लेकिन उसका प्राइस बहुत ज़्यादा है। तो ये था इसका बेसिक डिफरेंस। अभी चलते हैं आउटपुट सेक्शन के लिए। तो देखिए इसमें आउटपुट जो है, जो जो बैलेंस देना चाहिए, और दोनों में ही बैलेंस और अनबैलेंस आउटपुट जो है दोनों में ही सेम है, इसमें ज़्यादा है ग्रुप आउट, सॉरी रिकॉर्ड आउटपुट ज़्यादा दे दिया गया, और सारे जो उसमें भी ग्रुप आउटपुट बैलेंस है, इसमें भी ग्रुप आउटपुट बैलेंस है, और मेन जो आउटपुट है सेंटर ग्रुप सारे बैलेंस है, और जो स्टीडियो आउटपुट है, सॉरी ऑक्सिलरी आउटपुट है, उसमें भी अनबैलेंस है, इसमें भी अनबैलेंस है, मॉनिटर आउटपुट अनबैलेंस है, रिकॉर्ड आउटपुट भी अनबैलेंस है। ये टॉकबैक माइक इनपुट के लिए, टॉकबैक माइक के बारे में अगर किसी को कुछ क्वेरीज है तो इसके बारे में भी मैंने वीडियो बना चुका हूं, जाके चेक कर सकते हैं। तो ये था इसका बेसिक डिफरेंस। और तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और जब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जिसको GV4 या GV8 परचेस करना है, उसको अगर कुछ क्वेरीज हो तो उसको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं आप, तो उसका भी हेल्प हो जाएगा और मेरा भी कुछ हेल्प हो जाएगा, व्यू आ जाएगा, सब्सक्राइबर बढ़ जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, टाटा बाय, टेक केयर।